और अब देखिए मुंबई के फिल्मी मेकओवर पे हमारी एक खास रिपोर्ट कि कैसे मुंबई को और फिल्मी बनाने के लिए वहाँ की दीवारों को बॉलीवुड के सितारों से सजाया जा रहा है। देवानंद, मधुबाला, राजेश खन्ना, अमरीश पुरी जैसे सितारों से सड़कें जो हैं वो सजी हुई है। और सबसे खास बात और ताज़ा है वो है अमिताभ बच्चन की करीब 250 फुट लंबी पेंटिंग जिसे 20 कलाकारों ने 16 दिनों में बनाया है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देव आनंद, दिलीप कुमार, सायरा बानू, मधुबाला, अमरीश पुरी, राजेश खन्ना, सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के और अमिताभ बच्चन। फिल्मी नगरी मुंबई को सितारों की ये पेंटिंग्स और फिल्मी बना रही है। सब लोग अमिताभ जी का बिल्डिंग बोले और कोई भी आता है। रिश्ते में हम तुम्हारे दांत लगते हैं। नाम है साइंसा। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। लोग आते जाते देखते उनको याद करते ये पेंटिंग देखते ऐसे। दिस पर्सन इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड सो उनको ट्रिब्यूट देना तो बनता है। हमेशा यहाँ से निकलता हूँ लेकिन जब भी देखता हूँ ये तस्वीर तो मुझे दिलीप साहब की पुरानी फिल्मों की याद आती है। जिस शहर मुंबई में दिन रात फिल्मी सितारे कैमरों के सामने फिल्मी सीन की शूटिंग करते हैं उसी शहर की दीवारों को बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट यानी बाप के रंजीत दहिया और अभिषेक कुमार सिंह ने और फिल्मी बनाने का बीड़ा उठाया है। ताजा तरीन है करीब 250 फुट के बेमिसाल बच्चन। बच्चा बच्चा गाए फ्रॉम बचपन बचपन बच्चन 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 वो है बच्चन बच्चन। और इस वक्त हमारे पीछे जो पेंटिंग आप देख रहे हैं जिनका ये क्रिएशन है और मुंबई को फिल्मी बनाने वाले इस वक्त दो शख्स हमारे साथ मौजूद है। रंजीत दया साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपके साथ हैं अभिषेक कुमार सिंह जिन्होंने आपका साथ दिया इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाने के लिए। सबसे पहले तो इस पेंटिंग के बारे में आप बताइए कितना मुश्किल रहा और कैसे ये थॉट आया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मैं जब बॉम्बे आया तो मेरा जो दिमाग में कुछ ऐसा था कि कहीं पे अमिताभ बच्चन कहीं पानीपुरी खा रहे होंगे ऐसा कुछ जो बॉलीवुड सिटी जैसा कुछ था नहीं। सो देन आई थॉट कि यार व्हाई नॉट मेक दिस सिटी मोर बॉलीवुड क्योंकि मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग आते हैं इधर बॉलीवुड देखने के लिए। बट बॉलीवुड के नाम पे क्या आ गया, अमिताभ बच्चन साहब का घर है, ये शाहरुख खान का घर है, जूहू में ये स्टूडियो है ये, बट आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है इधर बॉलीवुड जैसा। सो आई थॉट कि लाइक लेट्स स्टार्ट पेंटिंग बॉलीवुड। डिजिटल जमाने में हाथ का ये जौहर एवरग्रीन तो है पर तकनीकी तौर पर आसान नहीं। हूबहू तस्वीर को संकरी गलियों में खड़ी मुश्किल दीवारों पर उतारना वाकई काबिले तारीफ है। तकनीकी तौर पर अगर आप समझा सके, अगर हम बारीकी से देखें तो भले ही वो नेल हो या फिंगर हो या एक्सप्रेशन हो वो बहुत ही खूबसूरती से इस वॉल पे हमने देखा, हालांकि इस वॉल में खिड़कियां हैं। तकनीकी तौर पर कितना मुश्किल होता है और कैसे करते हैं इसको? So basically, ye planning, once we choose the surface, after that we plan this, how to execute that particular artwork. तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं बिकॉज टेक्निकल एक छोटा सा टर्म है, जैसे ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो इसके आसपास में कोई इतना बड़ा सरफेस नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट विंड यहाँ पे काफ़ी होता है। तो जो भी हम सस्पेंडेड लिफ्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे थे इट यूज टू लाइक शेक अ लॉट, तो वो एक बहुत बड़ा मैटर होता है कि हम क्योंकि काम करना है वो ठीक है लेकिन उसके साथ में लोगों की सेफ्टी भी होनी चाहिए। सो वी मेक दैट पॉइंट इतना वो के आर्टिस्ट को काम करते समय वो डर किसी तरह का या वो थॉट ना रहे। अमिताभ बच्चन के फेस पे हम लोगों ने एटलीस्ट 4-5 दिन काम किया, सिर्फ फेस पे बिकॉज लाइक एज यू कैन सी करीब 50 फुट का तो सिर्फ उनका फेस है। फिल्मी सितारों के अलावा ये टीम और भी कई थीम पर दीवारों में रंग भर चुकी है। क्रिकेट फैंस के लिए सचिन तेंदुलकर की ये वॉल पेंटिंग किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं। जो मेहनत से बना है उनका मेहनत दिख रहा है कि बहुत अच्छी तरह से बना है, बहुत बढ़िया बना है। इट्स अ फिटिंग ट्रिब्यूट एंड द पेंटिंग लुक्स ऑसम, गुड जॉब। दो 2012 से इस टीम ने फिल्मी नगरी मुंबई को पेंट करना शुरू किया पर राह आसान नहीं थी। कभी कोई अपनी दीवार को रंगने से इनकार करता था तो कभी आर्थिक किल्लत।
समझाना मुश्किल है कि नहीं अच्छा लगेगा, तो नो वी डोंट वांट. सो काफ़ी डिफिकल्टी थी, बट मैं डटा रहा और टिका रहा कि नहीं यार मेरे को तो करना है बॉलीवुड. बेसिकली वी आर ऑल्सो लाइक पैशनेट बहुत हैं, बट कमर्शियली उसको एग्जीक्यूट करना एज अ कॉस्ट, एंड वी वुड लाइक पीपल टू कम अहेड एंड वॉट एवर दे कैन डू अबाउट इट. I mean, like whatever help they can do, suggesting a wall or donating a wall. वैसे इनका टैलेंट मुंबई तक ही सीमित नहीं है. बिहार के मुख्यमंत्री आवास से लेकर पटना जंक्शन, दानापुर जैसी जगहों को रंगने के अलावा हरियाणा की दीवार पर भी इन्होंने रंगों का कमाल दिखाया है. अमेरिका की ये झलक भी हमारे पास पहुंची, जहां एक दीवार पर बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट ने मधुबाला की तस्वीर उतारी है. मुंबई, बिहार, फ्रांस और फिर अमेरिका में जाकर इमारतों को रंग चुकी बॉलीवुड आर्ट प्रोजेक्ट की ये टीम अब और भी कई शहर और देश के इमारतों को रंगना चाहती है, पर फिलहाल उम्मीद कर रही है सरकार और आम लोगों से मदद की. मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए. एनडीटीवी के मोजो बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही. एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. धन्यवाद.